नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी आई किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम चौरसिया आज आपके लिए कढ़ाई पनीर की शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी की। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर में इस्तेमाल होने वाले मसाला हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और इन 3 साबुत लाल मिर्च ने इस तरह टुकड़े करके हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे 10-12 काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ हमने इसमें डाल दी है। और दोस्तों, इन सभी मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। जब तक इन्हें भुना जाता है, इसमें खुशबू आने लग जाए, तब तक हमें अच्छे से इन्हें भून लेना है। तो देखिए, इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको ये धुआं उठता नज़र आ रहा होगा, मतलब ये अच्छे से भून रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें चलाते रहें। और ये देखिए, अब हम इसे एक बर्तन में बाहर निकाल के रख लेते हैं ये, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये ठंडा हो रहा है। और तब तक हम और कुछ दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उस पर डाल दिया है कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और इसमें हमने डाल दी है 12-13 लहसुन की कलियाँ, 1.5 इंच करीब अदरक का टुकड़ा है और 1 प्याज है बड़े साइज़ का, इसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दिया है। और इन्हें हम अच्छे से हमें भूनना है, थोड़े नरम होने तक, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर। तो ये इन सभी को हमको भूनना है, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इनका हमें पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ देर भूनने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्हें हमें निकाल लिया एक प्लेट में। और अब हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे ये पनीर। पनीर को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा हमको इसे नहीं भूनना है। तो जब तक इसमें इसकी ये परतें थोड़ी सुनहरी होने लग जाए, तब तक आपको भूनना है। तो लीजिए दोस्तों, ये पनीर भी तैयार हो चुका है भूनकर और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो वैसे आप इसे बिना भुने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं जैसे भून कर ही बना रहा हूँ। तो चलिए, इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। और आप चाहें तो इसे घी में भूनिए तो ज़्यादा और सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, लेकिन मैं इसे तेल में ही बना रहा हूँ। और उसी पैन में हमने ये शिमला मिर्च और प्याज के इस चौकोर टुकड़े हमने काट के रख लिए थे, उन्हें भी हम थोड़ी देर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है। 1-1.5 मिनट ही हमें इन्हें भूनना है और ये थोड़ा कलर इनका चेंज होने लग जाएगा, फिर हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छे से भून गए हैं जितना हमें चाहिए था, और इसे भी हम निकाल लेते हैं और पनीर के साथ ही हम रख देते हैं। तो चलिए, कढ़ाई को हम रखते हैं वापस, और जो हमने मसाले भुने थे वो सब ठंडे हो चुके हैं और इन्हें हमें पीस लेना है। तो मैं बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, इन्हें थोड़ा दरदरा पीसेंगे। आप चाहे तो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये इस तरीके से मैंने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं, दरदरा पीस लिया है और इसे एक कटोरी में हमने निकाल के रख लिया है। और जो हमने टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक भुना था, उसका भी हम अच्छा एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए, इसका भी हम बना लेते हैं पेस्ट। ये पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है और अब हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें ये हरी मिर्च डाली है, 2 हरी मिर्च, और इसे थोड़ी देर भुनेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज, लहसुन, टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था, उसको इसमें डाल लेना है। और हरी मिर्च के साथ इसे आपको भूनना है, थोड़ी देर भूनना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इन सभी अदरक, लहसुन, प्याज को पहले ही हमने भून लिया था। तो फिर भी मैंने इसे 2-3 मिनट इस तरीके से ये भून लिया है। अब दोस्तों, इसमें हम डालेंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था, धनिया, काली मिर्च, सौंफ और जो जीरा था। तो मैं इसमें 3 चम्मच डाला हूँ और थोड़ी सी मैं डाल रहा हूँ, 1/2 चम्मच करीब लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। और इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर दें,
थोड़ी देर ऐसे भी भून लें ताकि जो हमने लाल मिर्च डाली है वो थोड़ी सी भून जाए। तो अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो जिस जार में हमने इसका पेस्ट बनाया था उसी को धोकर हमने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ी देर आप इसे इस तरीके से भूनते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से ये भून चुका है और ये देखिए अब इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। ये नीचे पहले चिपक रहा था, एकदम अच्छे से भून गया है। और अब हम दोस्तों इसमें डालेंगे दही। तो मैं इसमें ये 3 चम्मच दही डाल रहा हूँ, ज़्यादा दही नहीं डाल रहा हूँ। तो और इस दौरान आप चाहें तो गैस को बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें ताकि दही फटे नहीं। तो मैंने गैस को एकदम लो कर दी है और आप कंटिन्यू इसे चलाते रहें। थोड़ी देर चलाने की आवश्यकता है जिससे दही बिल्कुल नहीं फटेगा और आपकी सब्ज़ी में एकदम शाइनिंग भी रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से हमारा दही भी पक गया है। ये आयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। जब दही पक जाता है तो इस तरीके से आयल ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए, ये भी सब मसाले अच्छे से पक गए हैं और दही भी पक चुका है। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा नमक और इसे मिक्स कर दीजिएगा। तो दीजिए दोस्तों, ये मसाला अच्छे से ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही भूनते रहते हैं और इसमें डालेंगे हम पानी। अब हमें कितना पानी डालना है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें लगभग आधे गिलास के करीब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और यदि कम लगेगा थोड़ा सा और इसमें डाल दिया जाएगा। तो चलिए, इसे हम एक उबाल आने तक छोड़ देते हैं और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को जो भुना था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से इसमें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो लीजिए दोस्तों, ये शानदार कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो रहा है। और अब हम इसे ढक देंगे, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, इसे मैं थोड़ी देर और पकाया और अंत में इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी और साथ में हरी धनिया पत्ती और इसे मिला दीजिएगा अच्छे से। हरी धनिया को और कसूरी मेथी को, इसे बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। तो दोस्तों, ये शानदार कढ़ाई पनीर बन करके तैयार हो चुका है और अब हम इसको ढक देंगे और गैस को कर देंगे बंद। तो चलिए, 5 मिनट के बाद ये सब्ज़ी एकदम ठंडी हो गई है और अब हम इसे करेंगे सर्व। तो देखिए कितनी शानदार ये सब्ज़ी आपको नज़र आ रही होगी। अब हम इसे आपको सर्व करके बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।